भाई जब से मैंने गाड़ी ली है मुझे सेल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट गियर चैलेंज 28, सेकेंड गियर। तो गाइस बात करते हैं ऑफ रोडिंग में क्या सीन है। तो बाइक को स्टार्ट करते देखिए पूरी टूटी हुई रोड है, ठीक है। सस्पेंशन सेटअप इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साइड है। इसका प्राइस चल रहा है लगभग 75,000 रुपये एक्स शोरूम। हम जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है वो है 8.02 PS की। और सो गाइस दिस इज नॉट जस्ट अ बाइक, इट्स एन इमोशन। ये एक इमोशन है, हर एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना, हर एक मिडिल क्लास बॉय का सपना, एक टू व्हीलर। तो गाइस इस बाइक को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है कि ये बाइक क्या है, क्या चीज़ है, क्या लेजेंड है, क्या ही लॉर्ड है। इसको लॉर्ड स्प्लेंडर कहें तो कोई कम नहीं है। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो गाइस। तो गाइस एक लौती ऐसी बाइक है हीरो की जो कि पूरे इंडिया में डोमिनेट करती है अपने सेगमेंट में, 100 CC सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली हीरो स्प्लेंडर प्लस है। और ऑलमोस्ट सेगमेंट किलर है भाई, अपने माइलेज के वजह से, अपने परफॉर्मेंस की वजह से, अपने एक्सेसिबिलिटी की वजह से, अपने प्रैक्टिकलिटी की वजह से। तो ये गाड़ी मेरे पिताजी की है, ठीक है, और 3 साल में चल चुकी है 32,000 किलोमीटर। तो ऑलमोस्ट 50 से 60 किलोमीटर डेली की ट्रैवलिंग है, सिटी राइडिंग है, और हाईवे से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये गाड़ी ली ही गई है सिटी में राइड करने के लिए, कम्यूटिंग के लिए। तो गाइस बात करते हैं हीरो स्प्लेंडर के इंजन के बारे में। तो बाइक का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है, मतलब बाइक का इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है वो है 8.02 PS की। और टॉर्क की बात करें तो वो भी लगभग सिमिलर ही है, 8.05 Nm का। तो देख रहे हो टॉर्क फिगर और BHP फिगर बिल्कुल बराबर, ये नेक टू नेक है, जिसकी वजह से देखो अंदाज़ा मिल जाता है कि बाइक में फर्स्ट गियर सेकंड गियर बहुत ज़्यादा पंची होगा और जो इनिशियल है और जो मिड रेंज है वो काफ़ी अच्छा होगा। क्या बाइक की जो इंजन है वो इतना कैपेबल है कि 2, 3, 4, 5 लोग भी, मतलब गांव देहात में 5 लोग भी आराम से बैठ के इस पर, मतलब पिकअप गाड़ी ले लेती है, बंद नहीं होती है। और हर कंडीशन में भाई ये इंजन इतना इसको साथ देता है। देखो बात पड़ जाती है कि बाइक का जो वेट है बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से इंजन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर देता है, पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा है बाइक का। तो कैसे बात करते हैं डिज़ाइन लैंग्वेज की, तो भाई डिज़ाइन के बारे में क्या ही बात करें, लगभग कई दशक बीत चुके हैं, 3 से 4 दशक बीत चुके हैं और कंपनी ने अभी भी कोई चेंजेस नहीं किए हैं। और ये ऐसा डिज़ाइन है कि कभी भी पुराना नहीं लगता है, मतलब ये कितना भी आगे 20 साल बाद भी अगर आपको देखेंगे तो गाड़ी में आई थिंक कंपनी कभी चेंज नहीं करेगी, क्योंकि ये कभी पुराना होने वाला ही, पुराना डिज़ाइन होने वाला नहीं है। और पता नहीं जो पहली बार जिसने इस बाइक को डिज़ाइन किया था क्या ही सोच के डिज़ाइन किया था, कि मतलब डिज़ाइन के बारे में क्या ही बात करें गाइस, हमेशा से ये डिज़ाइन है। और मोस्ट कॉमन एक नज़र में ये बाइक आदमी पहचान जाता है, इस बाइक की किसी भी एंगल से आप देख लीजिए आप पहचान जाएंगे कि ये एक स्प्लेंडर है, टायर से लेके चाहे पीछे वाला ये जो लेजेंडरी इनका कैरियर आता है, इस पर भी एक आदमी इतना, ये देखो ये इतना मजबूत होता ना कि इस पर आदमी आराम से बैठ सकता है इस पर, ठीक है, इस पर आराम से 1 क्विंटल आप लाद सकते हैं, तो इतना मजबूत होता है। और भाई रफ़ एंड स्टडी बिल्कुल डिज़ाइन है, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो कि डर लगा रहेगा टूट जाएगा या क्या हो जाएगा। तो टूटेगा भी तो भाई इस बाइक के पार्ट आते हैं बहुत ज़्यादा सस्ते आते हैं, 100, 150, 300, मैक्सिमम 400, 500, उसके ऊपर प्राइस नहीं जाती है। तो देख रहे हो मतलब ऑलमोस्ट बजट फ्रेंडली, हर चीज़ में आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट, क्या हर चीज़ में आपकी बचत देगी, माइलेज से लेके मेंटेनेंस तक, मतलब खर्चा नहीं करवाती है। तो गाइस ये रही चाबी इस गाड़ी की, और आपको गाड़ी चलाकर दिखाते हैं परफॉर्मेंस कैसा देती है। तो भाई नेक्स्ट लेवल है, मतलब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रहती है कि ये गाड़ी ऐसा भी परफॉर्मेंस देगी काफ़ी दशकों बाद भी। और ये इंजन क्या ही जेम, मतलब कंपनी ने बनाया था वही सेम इंजन अभी भी कंटिन्यू हुआ जा रहा है, बीच में अपडेट्स आए थे जनरेशन जब चेंज हुई थी, तो देखते हैं। बेसिकली ये BS6 वाला मॉडल है, और मतलब थोड़ा बहुत कंपनी ने चेंजेस किए थे इंजन से, BS4 से BS6 करने में, बस उससे ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं था। और BS4 से BS6 में सबसे बड़ा चेंज तो यही था कि इसमें FI आ गया था, आप देख सकते हैं FI सिस्टम इसमें है, जो कि माइलेज में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर गई है। तो गाइस ये रही चाबी, और लगाते हैं, ऑन करते हैं इग्निशन और देखते सेल्फ स्टार्ट होती है कि नहीं। देखो भाई जब से मैंने गाड़ी ली है मुझे सेल्फ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, 2 बार ये कपलर चेंज हो चुका है, पता नहीं मतलब
इसकी जन्म से बीमारी है कि ये सेल्फ नहीं लेती है। देखते हैं आपके सामने स्टार्ट होती है कि नहीं। देखो लाज रख ली इसने, ओ माय गॉड, अब नहीं होगी, अब स्टार्ट ये नहीं होगी। ओहो, तो इसने लाज रख ली है गाइस। और गाड़ी को घुमाते हैं तो फर्स्ट गियर देखो इसका कैसा है। अभी तो देखो बहुत ज़्यादा ही पंच है। देखो फर्स्ट गियर, सेकंड गियर इसका मज़ेदार है बिल्कुल, और थर्ड गियर में मिड रेंज और जो इसका इनिशियल है बहुत ज़्यादा तगड़ा है। देख रहे हो थर्ड गियर 50 पार जा रही है गाइस। मतलब ये जो परफॉर्मेंस है ना अकेले बंदे के लिए इनफ है, और पिलियन के लिए भी बहुत सही है। क्या ही बताए, स्प्लेंडर पे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ भाई, लोग ऐसे ऐसा देख रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। उन्हें क्या पता है कि मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ। तो हैंडल बार मेरा टेढ़ा लग रहा होगा क्योंकि ये गाड़ी एक बार एक्सीडेंट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हैंडल टेढ़ा हो गया था, काफ़ी हद तक सीधा किया गया है, लेकिन ये बंद होने वाली बीमारी नहीं गई। जब से देखो गाड़ी भिड़ी है तब से बंद होने वाली बीमारी इसकी स्टार्ट हो गई है। तो गाइस अभी चलेंगे एक सेफ रोड पे और वहाँ पे आपको दिखाएंगे फर्स्ट गियर टॉप स्पीड, सेकंड गियर टॉप स्पीड, थर्ड गियर टॉप स्पीड। तो देखो भाई परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। कहने को तो स्प्लेंडर है, लोग मतलब बहुत इसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। जो नया जो जनरेशन आ रहा है, जो नई पीढ़ी आ रही, जो नया जनरेशन है, उनको स्पोर्ट्स बाइक, बड़े डिस्प्लेसमेंट की बाइकें पसंद है, लेकिन ये जो छोटे डिस्प्लेसमेंट की बाइकें होती हैं इनको चलाने का एक अलग ही मज़ा है। कितना भी रफ चलाओ, कितना भी तेज़ चलाओ, आपको 60-65 का माइलेज देगी, समझ रहे हो। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि फर्स्ट गियर में ये कितनी जाती है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो बहुत लोग प्रेफर करते हैं स्प्लेंडर की जगह स्कूटी, एक्टिवा या कोई भी अदर ब्रांड की स्कूटी प्रेफर कर लेते हैं, लेकिन जो भाई बाइक से जो प्रैक्टिकलिटी मिलती है ना वो स्कूटी में नहीं मिलेगी। तो अभी देखते हैं फर्स्ट गियर पे कितनी जाती है ये। तो ये हो गई न्यूट्रल। अरे यार मैं तो इसी से परेशान हूँ, देखो सेल्फ हमारा नहीं चलता है, एक किक में स्टार्ट हो जाती है, बस ये इसका प्लस फैक्टर है। फर्स्ट गियर चैलेंज 28, सेकंड गियर 50, थर्ड गियर 70, फोर्थ गियर 80 जा रही थी गाइस। देखो ये बाइक जो है कम्यूटिंग के लिए बनी है, सिटी कम्यूटिंग के लिए ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंस या हाई रेविंग इंजन तो है नहीं, लेकिन जितना भी दिया है बहुत इनफ दिया है। और ज़ीरो टू मतलब कहते हैं 0 to 70 तक आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी, बहुत ज़्यादा पंच मिलेगा आपको, अच्छा खासा पावर मिलेगा अकेले चलाने के लिए। और पिलियन के साथ चलाने के लिए तीन लोग भी बैठा लेंगे तो आपको ऑल सेकेंड थर्ड गियर तक बहुत अच्छा पंच देगी। फोर्थ गियर तो आपको क्रूजिंग के लिए मिल जाता है, लेकिन अब क्या ही बताएं, अब उससे ज़्यादा उम्मीद लगाने का कोई मतलब है नहीं। स्प्लेंडर तो स्प्लेंडर है, सिटी के लिए देखो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिटी में 50 चलेंगे, 60 चलेंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं चलेंगे। फिर से ट्राई करते हैं फर्स्ट गियर, भाई क्या ही पंच देती है, 25, 50, 70, चौथा गियर देखो मैं नहीं खोल पाऊंगा, चौथा गियर इसका देखो लिमिटर, अब पता नहीं इसमें लिमिटर चौथा गियर पे कहाँ तक है, लेकिन 90 चली जाती है, मैंने 90 तक इसको लास्ट टू लास्ट भगाया है, इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं करता है क्योंकि उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी फिर नहीं देती है। 70 तक बहुत अच्छा स्टेबल रहती है बाइक, और उसके ऊपर भाई मतलब बाइक फिर ऐसे लहराने लगती है, कांपने लगती है, क्योंकि इसके टायर प्रोफाइल बहुत ज़्यादा कम है। देख रहे हो मिड रेंज इसका कितना स्ट्रॉन्ग है, एक 90cc की बाइक के लिए मिड रेंज बहुत ज़्यादा सही है। देखो 50 पे
तो गाइस अब बात करते हैं ऑफ रोडिंग में क्या सीन है। तो बाइक को स्टार्ट करते देखिए पूरी टूटी हुई रोड है, ठीक है। सस्पेंशन सेटअप इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साइड है और गांव के लिए ट्राइबल मतलब जो गांव हो गया, टाउन हो गया, और सिटी के लिए तो देखो ये बाइक बनी ही है। और ये देखिए जो गड्ढे हैं बिल्कुल भी नहीं पता चलते हैं, मतलब झटके तो ना के बराबर। गांव के लिए बहुत ज़्यादा, विलेज एरिया के लिए भाई ये बाइक नहीं लॉर्ड है, लेजेंड है। मतलब किसी भी वेदर कंडीशन में, किसी भी रोड कंडीशन में आप इसको लेके जा सकते हैं। इतनी हल्की है, इतनी मोबिलिटी है इस बाइक में, बहुत ज़्यादा कैपेबल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ये बाइक है। भैया हमारे पापा जी ये वीडियो देखेंगे और दिल में मन में कम से कम 50 गाली देंगे, क्योंकि ये गाड़ी उनकी है, दिस बाइक बिलोंग्स टू हिम। और वो बहुत प्यार से गाड़ी चलाते हैं, बहुत मतलब कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं अपने बाइक की। गाड़ी में आज तक कोई स्क्रैच नहीं आया, बस ये जो हल्का सा एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से ये हैंडल टेढ़ा है, उसके अलावा गाड़ी में कोई खरोच नहीं है, समझ लो। 3-3.5 साल होने को है, धीरे धीरे ऊपर भी हो गया होगा आई थिंक, लेकिन भाई गाड़ी वेल मेंटेन्ड है। और तो वापस हम लोग अपने लोकेशन पे आ गए हैं। अब गाइस बात करते हैं ये गाड़ी किसको लेनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी सबको लेना चाहिए, समझ रहे हो। स्कूटी लेने से अच्छा वो जो लड़कियों वाली तुम लोगों ने आदतें पाल रखी ना, स्कूटी ले लेंगे, स्कूटी ले लेंगे, स्कूटी मम्मी स्कूटी दिला दो, भैया स्प्लेंडर ले लो। ये लड़कों वाले शौक पालो, स्प्लेंडर लो, खुश रहोगे। माइलेज का माइलेज स्कूटी से लाख गुना ज़्यादा माइलेज है इसका, समझ रहे हो। स्कूटी आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50-60 तक देगी, मैक्सिमम मैक्सिमम ये आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80 तक माइलेज दे देगी हाईवे पे। अगर आप कम पॉपुलेटेड सिटी में रहते हैं, जैसे क्या ही बताऊँ, अब नाम तो मैं ले नहीं सकता सिटी में, अब तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है अपने इंडिया की। तो अगर मतलब डेली कम्यूटिंग चाहते हैं तो आपको 70-80 तक आपको ये देगी ही देगी, माइलेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और मेंटेनेंस की बात करूँ तो भैया स्कूटी से कम मेंटेनेंस है इसका, और मतलब सर्विस चार्ज मैक्सिमम पेड सर्विस चार्ज इसका 900-1000 के बीच में ही रह जाता है, सब कुछ कंप्लीट, ठीक है, लेबर एबर चार्ज लेके। और अब प्राइस पॉइंट की बात करते हैं। तो गाइस अभी स्प्लेंडर BS6 जो है इसका प्राइस चल रहा है लगभग 75,000 रुपये एक्स शोरूम, और ऑन रोड आते आते 90,000, 91,000, 93,000, 94,000 चली जाती है, मतलब 94 मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि सिटी में प्राइसिंग मतलब वेरी करती है सिटी वाइज और स्टेट वाइज, बहुत ज़्यादा RTO 1,000, 2,000, 1,500 का डिफरेंस आ जाता है हर जगह से, सिटी टू सिटी। और एक्टिवा कोई भी स्कूटी ले लो, देखो प्राइस रेंज अब सेम आने वाली है। अब तो जो स्कूटियाँ आ रही है लाख रुपए ऊपर चली जा रही हैं, तो शर्म हया छोड़ो, स्प्लेंडर ले लो, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है भाई, बहुत ज़्यादा। यहाँ सीट कम पड़ रही है यहाँ बैठ जाओ, ठीक है, यहाँ सीट कम पड़ रही है यहाँ बैठ जाओ। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही स्प्लेंडर से रिलेटेड, और अगर इसका कंपैरिजन आप देखना चाहते हैं मेरी MT-15 से या और किसी बाइक से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत जल्दी इसका माइलेज टेस्ट आने वाला है, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और इस वीडियो में ज़रा भी थोड़ा सा भी कुछ पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो कहाँ गई, कहाँ गई, ये रही, ठीक, पिताजी गाड़ी है हमारे, थोड़ा रिस्पेक्ट करो स्प्लेंडर की। बाय बाय।